राजू अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहता था और वो बहुत गरीब थे। राजू के पिताजी रकड़ी बेचने का काम करते थे और उससे उनके खाने का जुगाड़ भी बहुत मुश्किल से होता था। इस बात से घर वाले बहुत परेशान रहते थे। राजू पढ़ाई करना चाहता था लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से उसके घर वाले उसे पढ़ाई नहीं करा पा रहे थे। राजू की माँ इस बात से गुस्सा रहती थी और हमेशा भला बुरा कहती रहती थी। एक दिन राजू के पिता की बिल्कुल कमाई नहीं हुई, इस वजह से राजू के पिता को खाली हाथ घर वापस आना पड़ा। राजू की माँ कहाँ हो? क्या है, बुला तो ऐसे रहे हो जैसे मेरे लिए सोने चांदी लाए हो। लाओ पैसे दो, खाना बनाना है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज एक रुपए की भी कमाई नहीं हुई, मेरे पास एक रुपया नहीं है। जाओ दुकानदार से उधार सामान ले लो, हम बाद में दे देंगे। हाँ हाँ, कह तो ऐसे रहे हो जैसे कि कल तुम खजाना ले आओगे। जाओ जाके खाने के लिए सामान लेकर आओ। ठीक है जाता हूँ, इतनी भड़कती क्यों, जा रहा हूँ। इतना कहकर राजू के पिताजी सामान लेने दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से उधार सामान देने को कहते हैं, लेकिन दुकानदार सामान देने से मना कर देता है और कहता है, भाई साहब पहले आप पिछला हिसाब चुकाइए फिर सामान लेना। भाई साहब दे दूंगा, आप आज सामान दे दीजिए, मैं कल आपके पूरे पैसे चुका दूंगा। पैसा कौड़ी होता नहीं है और आ जाते हैं सामान मांगने, ये लो और कल पैसे चुका देना। राजू के पिताजी दुकानदार की बात सोचते हुए सामान लेकर घर आ जाते हैं। अगले दिन जैसे ही राजू के पिता काम के लिए जा रहे होते हैं, रास्ते में उन्हें दुकानदार मिल जाता है। कहाँ जा रहे हो, याद है ना आज तुम्हें मेरे पैसे चुकाने हैं। अगर आज पैसे नहीं चुकाए तो देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। भाई साहब मैं आपके पैसे चुका दूंगा। इतना कहकर राजू के पिताजी काम के लिए निकल पड़ते हैं और बाजार जाकर रद्दी बेचने लगते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आता, जिस वजह से वो निराश हो जाते हैं और ग्राहक के आने का इंतजार करते हैं। ऐसे ही देखते देखते दोपहर हो जाती है। अब वो खाना खाने के लिए अपना खाना निकालते हैं, वैसे ही एक लड़की उनके पास आती है। कुछ खाने को दो ना। बेटा कौन हो तुम और ऐसे अकेले क्यों घूम रही हो, और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? काका, मैं मेले में खो गई हूँ और मुझे मेरे घर वाले मिल नहीं रहे। बेटा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ये लो ये खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर चलूंगा, पुलिस वाले तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। राजू के पिता के पास बहुत कम खाना था, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे लड़की को अपना पूरा खाना दे दिया और लड़की ने पूरा खाना खा लिया। और जैसे ही उसका खाना खत्म हुआ, राजू के पिता ने कहा, चलो अब पुलिस स्टेशन चलते हैं। जैसे ही राजू के पिताजी उस लड़की का हाथ पकड़ते हैं, वो उनका हाथ छुड़ाकर एक सुंदर परी का रूप ले लेती है। बहुत ही ईमानदार और दयावान व्यक्ति हो, खुद भूखा रहकर तुमने मुझे खाना खिलाया और मेरी मदद करने की कोशिश की, इसे देखकर मैं बहुत खुश हुई। इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई किताब दे रही हूँ, इसे कभी अपने से दूर मत करना। और इतना कहकर वो परी वहाँ से उड़ जाती है। उस परी के वहाँ से जाने के बाद जैसे ही राजू के पिताजी किताब खोलते हैं, वैसे ही किताब से एक आवाज आती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। ये सुनकर राजू के पिताजी डर जाते हैं। किताब से दोबारा आवाज आती है, डरो मत, मैं एक जादुई किताब हूँ, मुझे तुम्हारी सारी परेशानी के बारे में पता है। क्या सच में तुम्हें मेरी परेशानी के बारे में पता है? क्या तुम सच में मेरी परेशानी दूर कर सकती हो? हाँ, जैसे ही तुम इस किताब का अगला पेज पलटोगे और बताओगे कि क्या परेशानी है, वैसे ही तुम्हें अपनी परेशानी का हल मिल जाएगा। ठीक है जादुई किताब। और राजू के पिताजी ने पेज पलटा
और सबसे पहले उन्होंने बोला, ये जादुई किताब, मैं दुकानदार के पैसे कैसे लौटाऊं? तुम अपने घर जाओ, वहाँ तुम्हें एक पुराना संदूक मिलेगा। इतना कहकर किताब अपने आप बंद हो गई। दादू के पिताजी किताब में लिखी बातों को सोचते हुए घर पहुँचते हैं और संदूक को खोजने लगते हैं, लेकिन उसे कहीं भी संदूक नहीं मिला। इतने में राजू की माँ बोलती है, क्या हो गया है, पूरा घर फैला दिया है, क्या चाहिए तुम्हें? तुमने अपने घर में कहीं पुराना संदूक देखा है? पुराना संदूक? पुराना संदूक तो अपने यहाँ एक ही है जो तुम्हारी माँ का है। कहाँ है वो? देखो पूरा अलमारी पर। राजू के पिताजी ने वो संदूक उतारा और उसे खोला तो देखा उसमें पैसे रखे हुए थे। ये देख दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। राजू के पिता ने तुरंत पैसे लिए और दुकानदार के पास गए। ये लो तुम्हारे पैसे, बोला था ना आज दे दूंगा तुम्हारे पैसे। हाँ लाओ लाओ। और दुकानदार को पैसे देकर वो घर आ गए। फिर सोचने लगे, चलो आज का काम तो हो गया, लेकिन अब कल का क्या? फिर उसे जादुई किताब के बारे में याद आया और उसने किताब निकाली और पूछा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी आमदनी अधिक हो और मैं अमीर हो जाऊं? तुम्हारे पास जो पैसे बचे हैं उनसे तुम एक दुधारू गाय ले आओ, उससे तुम्हारी आमदनी दुगनी हो जाएगी। राजू के पिता अगले ही दिन बाजार जाते हैं और गाय खरीद कर घर ले आते हैं और उसका दूध बाजार में बेचने लगते हैं। और धीरे धीरे उनकी हालत पहले से ठीक हो जाती है और आमदनी भी अधिक हो जाती है और एक एक करके वो बहुत सारी गायें खरीद लेते हैं, जिससे वो बहुत अमीर हो जाते हैं।